और बताओ भाई मजा है? वाओ गाइस, ये देखो, ये आई लव दिस यूट्यूबर यार। कल के क्रिकेट मैच की वो चल रही है, बिल्कुल एकदम तैयारी की। गाइस यार, वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का आशीष ब्लॉग्स में और एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नॉर्मल टाइम जो है उठने का, जैसे तुम लोग देख ही सकते हो 5:30 बज रहे सुबह के, ये मेरा नॉर्मल यूजुअल टाइम है उठने का या सोने का। ठीक है, अभी हम लोग निकल रहे हैं एक्चुअली मुंबई के लिए, बट उससे पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, वहां पे गाड़ी करके बहुत सारा काम है। मैं इसलिए सुबह उठा हूं ना क्योंकि हम लोग जितने जल्दी टाइम से पहुंचेंगे, 2:30 बजे की फ्लाइट है हमारी और हम लोग मुंबई के जा रहे हैं। हम लोग दो कारण के लिए जा रहे हैं और दूसरा वाला मैं तुम्हें बता नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तुम लोग देखना आगे जाके, वो अगले ब्लॉग में गारंटीड बता दूंगा। अभी तो हम लोग जा रहे हैं रेडबुल का एमयू इन्विटेशनल कप करके, वहां पे बहुत सारे और भी क्रिएटर्स आने वाले हैं। उज्ज्वल भाई से मिलेंगे दोबारा से और जॉनथन भाई भी हैं, तो वहां पर मस्त करके ऐसे क्रिकेट खेलेंगे। मैंने बात बस इतनी सी है कि 6th क्लास के बाद क्रिकेट नहीं खेला है, तुम समझ रहे हो? मैंने 6th क्लास के बाद भाई क्रिकेट को हाथ ही लगाया क्योंकि मेरे को लग गया था फुटबॉल का चस्का। अब सुबह शाम फुटबॉल खेल रहे, मैं ऐसा बंदा हूं जो आंख बंद करके भाई बल्ला घुमाता है, अब जाए बॉल जहां जाए या तो पार ही होगी या फिर सीधे विकेट ही होगा, और 90% टाइम वो विकेट ही होता था। और जब मैं बॉलिंग कराता तो ऐसा लगता है भाई पता नहीं क्या केकड़ा आ गया बॉलिंग कराने के लिए। मैं क्या ही बताऊं भाई जो होने वाला है। और वहां उज्ज्वल भाई सबको बोल रहे भाई फ्लीट भाई और मैं तो क्रिकेट में कर देंगे, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन भाई मजा बहुत ज्यादा आएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलाना, फैन से मिलाना, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा वहां पर। देखते हैं, अभी तो निकलते हैं टाइम से, मम्मी कुछ खाने पीने को देके चले गई है, इसमें आलू भर रखा है, मस्त करके इसको खाते हैं और फटफट निकलते हैं। भाई अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आराम से चलाएंगे, इसलिए मैं जल्दी उठा हुआ क्योंकि कोहरा होता ना आजकल सुबह को, तो चलते हैं फटाफट से खा पी के निकलते हैं सीधे दिल्ली के लिए। मुझे एक बात बताओ, बंदा खाए तो खाए कैसे? मैं यहाँ खाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी मम्मी खड़ी है और इन दोनों को देखो, मैं कैसे खाऊं जब ये दोनों जने ऐसे देखेंगे मेरे को, तो हैं खुद में शर्म आ रही है भाई खाने में। ये देखो मम्मी ने रस दिया है, आओ चलो चले मितवा, कौन खाएगा रस? लाओ चिप्पी के लिए भी दे दो एक चिपुली, ये देखो उससे पकड़ा तक नहीं जा रहा है। चलो गाइस, मम्मी बेचारी हमारे दरवाजे वो खेली गेट खोल लिया फटाफट से, तब तक गाड़ी को एक बारी, अरे खुल जाओ यार, सेंसर काम नहीं कर रहे क्या? चलो ठीक है, नमः शिवाय। मम्मी जी पहला हो पहला, तो चल नहीं रहो ना तुम लोग, दिल्ली नहीं जा रहे ना? दिल्ली ली तो नहीं चल रहे हो? बाद में चलेंगे, बाद में। चलो ठीक है, आप लोग सो जाओ, हाँ मैं निकलता हूँ, बाय भाई। फोन करना, हाँ पहुँच के कॉल करना। शिव शंभू, भाई मेरे को बताना वो कौन सा रूल था, वो 5 सेकंड तक टोल में नहीं रोक सकते भाई, इनका कुछ खराब हो गया, वो जो है ना वो ढक्कन जैसा वो खुल के बंद हो जा रहा है भाई, वो बंदा ही छोड़ के चली गया है। वाह बेटी मौज कर दी, आफत में जान क्यों है बच रहा, बवाल क्यों है, तो करण भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस और न्यू हेयर ये लीजिए यार। अरे नहीं यार भाई यार, लेकिन थैंक यू भाई यार, थैंक यू, मतलब लिटरली पता है मेरे कोई भी दोस्त लाइक दिल्ली में नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने करण भाई को सिर्फ एक मैसेज डाला कि करण भाई हो सकता है क्या, कि मैं 11 बजे आऊंगा, करण भाई को सुबह 9:45 बजे फोन आता है कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूं, मुझे कैसी है, उठ जाओ अभी के अभी, मुझे कैसी आवाज आई है पता है, मैंने करण भाई को कॉल करा, करण भाई आवाज मैं झूठ ऐसी सेम आवाज आई भाई, मेरे को लगा क्या हो गया, मैंने कहा मेरे को पहले 2 मिनट लगा भाई, सोचो मैंने गाड़ी साइड पे लगा रखी, मेरे को 2 सेकंड लगे, मैंने कहा यार किसी और को कॉल तो नहीं आती ना, रूम पे एंट्री करी और मेरा ध्यान गया सीधे ये क्या है भाई, देख लो जूते यूजेस, ओह माय गॉड, नाइक पे नाइक की, फिर भी कितने का कलेक्शन होगा आपका? करें कैलकुलेट, हाँ वो जो टॉप राइट देख रहे ना वो वाला जो उल्टा टिक है, छुपा के रखा हुआ आपने जो उल्टा टिक है वो 1.5 लाख का, क्या उल्टे टिक के 1.5 लाख ले लेंगे लोग? नकली भाई पालेगा, ये ठीक है यार, मैं भी बना रहा हूँ भाई नाइकी अब तो 1.5 लाख। तो गाइस हम लोग फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 12:30,
आज मुझे फील हो रहा है कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ भाई, जैसा पापा लोग करते ना 2-3 घंटे पहले पहुंच जाते, वो कर रहा है तुम्हारे भाई ने आज। पता नहीं तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मेरा प्राइवेट जेट आ चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं मुंबई। सो सी यू इन मुंबई गाइस। यहाँ पे टेकन भी लगा रखा है, समझ रहे हो तुम, ऐसे ऐसे करके गेम खेल सकते हो, खेलना नहीं है बस, ठीक है, खेल सकते हो। तो गाइस तुम लोग सोच रहे होगे कि यार फिर अगर प्राइवेट जेट हो तो इतने सारे लोग कैसे आ रहे हैं, लिफ्ट दे रहा हूँ यार, खाली नहीं जाना चाहिए ना यार, फिर अब इतना तेल लगा ही रहे हैं तो। तो गाइज यार फ्लाइट तो लैंड कर गई भाई, विस्तारा की प्रीमियम इकोनॉमी बहुत सही लगी मेरे को, मतलब मेरे को मस्त लगी नॉर्मल सारी फ्लाइट से। अभी कृष्णा भाई हमारे एक मैनेजर है तो वो रुके हुए हैं भाई, वो वड़ा पाव लेके ना रुके हुए क्योंकि मैंने उनसे गलती से बोल दिया भाई मुझे ना मुंबई का वड़ा पाव खाना है, मतलब स्ट्रीट वाला एकदम ठेले वाला, तो वो चीज़ लेके ना रुके हो, या फिर वो मतलब उनसे मैंने बोल रखा है कि हम लोग वड़ा पाव खाएंगे, तो अभी चलते हैं फटाफट से बाहर और जाके देखते हैं क्या खाने पीने का, देखते हैं। लेकिन मानना तो पड़ेगा भाई विस्तारा की प्रीमियम इकोनॉमी मस्त है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके होटल में, तो ये वाला होटल करा रखा है रेडबुल वाले ने, अभी चलते हैं अंदर जाके क्या सीन है कैसा है सारा का सारा चेक करते हैं। भाई मेरे को तो बहुत तेज नींद आ रही है लेकिन अभी एक और काम है, बट पहले जाते भाई रूम चेक इन करते पहले। तो गाइज यार हम लोग रूम वूम में तो आ गए बट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बेसिकली मेरे को ना एक लाइव स्ट्रीम करनी थी मुंबई में आते ही, और यहाँ पर यार इसका लाइक मतलब जो इधर का नेट है वो बहुत ही गंदा नेट है, लाइक 2G नेट जैसा चल रहा है। बट अभी मैंने अपने फ़ोन का नेटवर्क कनेक्ट करके ये दोस्त का लैपटॉप ला के पूरा सेटअप कर दिया है मैंने, लेट्स होप कि ये सारा का सारा चल जाए। ये वेबकैम अपने घर से उठा के लेके आ गया था, आई जस्ट होप कि सारा का सारा काम हो जाए। अभी देखते हो उज्जवल भाई लोग 11 बजे के आसपास आएंगे तब उन लोगों से मिलते हैं। भाई मेरे को तो स्ट्रेस हो गया है, मेरे को ये स्ट्रीम करनी थी भाई यार, मस्त कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की स्ट्रीम थी, अब देखो क्या होता है, तुम लोगों को अपडेट रखता हूँ। और दोस्तों अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ एक रीज़न कि मैं अपनी लाइफ में कभी मैक नहीं खरीदूंगा। भाई एडिटिंग के लिए ठीक है भाई, स्ट्रीमिंग इन सब चीज़ों के लिए एकदम बकवास चीज़ है भाई। मेरे को सिर्फ एक लाइक लिटरली स्ट्रीम देखते हुए दोस्त के साथ बैठ के बातें करनी थी भाई, ये वो भी नहीं कर पाए, डेस्कटॉप ऑडियो नहीं आ रही है, अब उसको आधा एक घंटा लगेगा कुछ सेटअप करने में, डेस्कटॉप ऑडियो ढूंढने में, इससे बढ़िया मेरे पास अगर एक विंडोज वाला लैपटॉप होता 2 मिनट में हो जाता। अब बस होप करते हैं उज्जवल भाई पुणे से अभी मुंबई आ रहे, लेकिन काफी टाइम से आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो पहुंचने भी वाले होंगे, तो फटाफट चलते हैं उज्जवल भाई का लैपटॉप उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं, उसमें पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग कहीं जाके स्ट्रीम कर पाएंगे। तो गाइस फाइनली अपडेट है भाई, भगवान कसम हम पूरी रात घूम रहे हैं, पता है हम पूरी रात भाई कृष्णा भाई और मैं इधर से उधर, अब फाइनली हम लोगों को एक पीसी मिला है जिसमें विंडोज है प्रॉपर, वो क्या कहते हैं कृष्णा भाई की सिस्टर का ये है, तो इसमें हम लोग पूरी स्ट्रीम सेटअप वेटअप कर रहे हैं भाई। बिग शाउट आउट टू कृष्णा भाई एंड फैमिली भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई ये पॉसिबल ही नहीं होता भाई, हम लोग लिटरली भाई तुम सोचो मैं ड्राइव करके आया हूँ इतना, उसके बाद हम लोग फ्लाइट लेके आए, उसके बाद हम लोग पूरे टाइम ये मैक में पूरी सेटअप कर रहे थे, और उसके बाद जाके हम लोग अभी लिटरली कहाँ से कहाँ क्या कर दिया है भाई, रात के 12 बज रहे हैं, अभी रात के 12 और ये स्ट्रीम अब चालू होने वाली है, देख लो भाई। तो तुम लोग यार लाइक नहीं मारते, देख रहे हो तुम एक हरकत देखो एक बार अपनी भाई, एक बार ये व्यू देखो, लिटरल ये बालकनी से व्यू है, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, देख रहे हो तो मतलब पूरा प्रॉपर ऐसे शहर दिख रहा है कि एक एक चीज़, मतलब क्या मस्त है यार। कर दो भाई, रूम सर्विस, पासपोर्ट सेवा, यो भाई हेलो भाई, कुछ भाई कैसा लग रहा है पहली बार यार, एक यार इनसे मैं भाई हर बार ही पहली बार मिल रहा था, वो पता नहीं कैसे मैं भाई, और बताओ भाई मजा है किस चीज, कुछ तो करने गए थे आप, कुछ कूल पुणे गए थे घूमने, अब कौन बेल बजा रहा भाई, हम तो सारे अंदर हैं। ओ भाई
भाई परफेक्ट टाइम मेरा कैमरा ऑन था है। तो पूरे होटल में शोर मचाता घूम रहा है। भाई आप लोग बिल्कुल नहीं रुके हो। ये तो बाजू में है। ओके ओ भाई चलो गाइस देखते हैं तीन लौंडे अपने कमरे के अंदर क्या कर रहे थे। अच्छा तो मतलब आप देख ले फिर हम अंदर। अरे हम शादीशुदा है भाई, ये बहुत ही शरीफ लड़का है, सबसे शरीफ। जो दूसरा है वो वो जो मिसिंग है वो कौन मिसिंग है पता है। भाई ये देखो इनने एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चटाई लगाई है। क्यों भाई एक्स्ट्रा चारपाई लगा रखी है। लगने वाला ट्रिपल रूम। ये कैसा ट्रिपल रूम है भाई। भाई लेकिन वो कहा है जो मैं एविडेंस ढूंढने आया हूँ यार। यार ये तो भाई वीडियो तो आप हम लोग बैठ के अभी यही कर रहे थे कि क्या यूट्यूब क्रैक कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग को मोटिवेशन में मिल चुके हैं। वाओ गाइस ये देखो ये आई लव दिस यूट्यूबर यार। और दूसरे कैटेगरी में भी सब भाई लोग उधर ही है दूसरे रूम में। दूसरे रूम में भाई ये टेंशन में ये देख रहे हो। कल के क्रिकेट मैच की वो चल रही है बिल्कुल एकदम तैयारी की क्या होगा क्या नहीं होगा। टेनिस बॉल से खेल रहे यार है। अरे तो यार मैं तो मारता हूँ ना फिर।